नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से है। गांधीनगर स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा मंत्री व नेताओं द्वारा की गई एलएलसी स्थानक चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता। जनपद मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उत्तर प्रदेश विधान परिषद एलएलसी स्थानक चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ से पहुंचे एक एलएलसी स्थानक चुनाव के प्रभारी विमल वर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा इस बार अपने प्रत्याशी दिनेश गोयल को चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतारा है, जिसको लेकर हमारे पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के द्वारा दिनेश गोयल जी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं और हमारे सभी विधायक मंत्री अपने अपने विधानसभा में जाकर लोगों को चिन्हित कर वोटरों को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री विजय कश्यप, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, एलएलसी प्रत्याशी दिनेश गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, श्री मोहन तायल, सुधीर खटीक, सचिन सिंघल, अंकित मिसल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार श्री कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद है। घर पे हम चाहते हैं कि आप दिनेश गोयल जी से सवाल जवाब करें। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप उम्मीदवार चुन गए पार्टी के, किस तरह की तैयारी आपकी, कब से आप तैयारी कर रहे हैं? हमारी तैयारियां पूरी हैं और हमने जितनी वोटें बनवाई हैं उसमें दो तिहाई हमारी हैं, बाकी में सबका हमारा है, उसमें हिस्सेदारी, बाकी में सबका बंटवारा है। यानी अपने लोगों की बनवाई गई, ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनवाई है। जो पुराने समय से रहे हैं, ये जो उन्होंने आज तक, मतलब जो 4-6 बार के हैं, 6 बार के हैं, 7 बार के हैं, जो भी हैं, उन्होंने आज तक अपने लिए कुछ किया है, शायद मेरे लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उनका फर्ज बनता था कि वो अपनी जगह दूसरे को कार्यकर्ता को डेवलप करते और उनको मौका देते, लेकिन हमेशा वो लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हर कार्यकर्ता को मौका देती है। एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे ये मौका दिया है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी रहे हैं, वो पहले बूथ अध्यक्ष से बनते हुए वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हर कार्यकर्ता को मौका देती है। आपका बड़ा क्षेत्र, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपने क्या सोचा है, आप जो पिछले कर पाए, आप क्या करेंगे? मैंने सोचा है कि सरकार में ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी जो युवा बेरोजगार हमारे हैं उन्हें रोजगार दिया जा सके। आपका